सो मैंने एक्रोरिक पे अभी इमेज इंपोर्ट की है. आई विल नॉट नाउ सेंड दिस इमेज टू अ वर्चुअल प्रिंटर कॉल्ड एसपी रोल. As soon as we hit print and the image is ripped, you will get that image here under SP roll. So it will take some time because this is the first time we are doing it. As in, we have to do it once at least. And you can repeat the number of prints now. बेसिकली ये वीडियो बना रहा था मैं कि 805 की स्पीड कितनी है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था. तो दिस इज द रीजन आई मेड दिस वीडियो. दिस इज अ कम्प्लीटली CMYK फुल मल्टी कलर 1 meter by 8 inch इमेज एंड वी आर नाउ गोइंग टू प्रिंट इट ऑन रोल टू रोल 805. इट्स पुलिंग नाउ. अभी होगा क्या, यहाँ से जब भी प्रिंट आएगा तभी वो प्रिंट दैट प्रिंट विल गो टू एसपी रोल वर्चुअल प्रिंटर फर्स्ट एंड यू कैन मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम देयर नाउ. प्रिंट मोड पे डाल. ओके, यहाँ से मैंने रिपिंग दे दिया. ये इमेज आपको यहाँ पर मिल गई है. स्ट्रेट अवे स्टार्ट प्रिंटिंग दिस जॉब. आई बटन स्टार्ट. प्रिंटिंग स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर. द डेंसिटी दैट यू गेट इन 805 इज अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग. तो ये थोड़ी देर के लिए मैं लाइव रखता हूँ. यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म बना सकते हो और आई विल बी गिविंग यू अ ट्रे अलोंग विद द मशीन, अ प्लास्टिक और एक्रेलिक ट्रे. आप जितना आगे प्लेटफॉर्म लगा सकते हो वो प्लेटफॉर्म आप बना सकते हो. तो दिस इज लिमिटलेस थिंग नाउ. जस्ट जैसे ही प्रिंट आपकी ख़त्म हो जाए, प्रिंट विल बी स्टे देयर, इट विल नॉट टेक आउट द पेपर. यू कैन ऐड नेक्स्ट प्रिंट जस्ट आफ्टर this one is printed. So I'll be making this kind of tray for 805 also. मैंने अभी वाइट का परसेंटेज आई हैव केप्ट इट जस्ट एट 40%. सो यू कैन हैव इवन ट्वाइस डेंसिटी देन दिस. एंड बट ऑब्वियस इंक क्वालिटी बहुत 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 ज़्यादा मैटर करता है. DTF इज ऑल अबाउट इंक क्वालिटी एंड योर हॉट मेल्ट पाउडर क्वालिटी. सो आई गेस एट 339 वी हैव स्टार्टेड दिस 1 meter print. So in the first print, only in the first print in a day, your wastage will be around 3 inch. So after that, almost no wastage.
मैंने जानबूझ के कलर डेंसिटी ज़्यादा ही रखा है अभी भी, कि उसका ऑप्टिमम स्पीड में चेक कर पाऊँ। So I guess around in 3 minutes it will print 1 meter. And this is because of the software in between. Sorry, not 3 minutes, not 3 minutes, but around in 7 to 8 minutes, I guess. Because it's a very dense image. So if it's all about labels and small, small logos, you can expect even more speed. And just due to its speed, I always recommend 805 to the people who wants to make logo printing work. So logo print and A4 printing ke liye, this is the best machine you can have. I hope you can see roll the machine andar khich raha hai. और इसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा टाइम यू सेव इन एडिंग अप प्रिंट्स, बहुत ज़्यादा समय आपका बच जाता है कि दूसरा प्रिंट रिप करो। वाइल दिस प्रिंट इज गोइंग ऑन यू कैन ऐड एन नंबर ऑफ प्रिंट फ्रॉम दी बैक एंड, और जैसे ही आपका प्रिंट, आपको पता है कि प्रिंट रेडी है, यू कैन जस्ट हिट ऑन स्टार्ट जॉब बटन एंड विद इन अ सेकेंड मशीन स्टार्ट प्रिंटिंग। So make ready time we call it in offset, maybe offset or screen people call make ready time. थोड़ा यहाँ पर देखिए print scratch हुआ है, just because मेरा bed नहीं है नीचे अभी, इसलिए थोड़ा scratch हो गया है। So once you have a bed, आपकी print scratch भी नहीं होगी। This is just a demo purpose and just for a testing purpose, the speed test I am doing, so I am not adding some few additional things in that. कितना कटिंग कर लिया मत रोल, मेक श्योर कि आप कटिंग करते वक्त रोल को उठाना मत। मैं थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है आगे का वो कट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ से रोल उठ जाएगा तो वो हेड को लगेगा। सी सी सी, थोड़ा भी उसको मैंने हाथ लगाया तो यहाँ पर स्क्रैच आने लगा। लीव इट डोंट डू एनीथिंग। तो नॉर्मल 805 या 1800 में भी आपने देखा होगा प्रिंट पे स्क्रैच आते हैं, तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि इस प्रिंट पे स्क्रैच क्यों आते हैं। सो योर प्रिंट द पेपर इज हिटिंग दैट हेड, दैट इज द रीजन वो स्पॉट या लाइंस प्रिंट पे दिखती हैं। दीज काइंड ऑफ लाइंस, अभी मैंने पेपर पीप आगे से उठाने की कोशिश की थी तो वो लाइन विजिबल थी, ये रीजन है वो लाइन विजिबल आती है, इसी वजह से वो पेपर उठाने की वजह से वो लाइन यहाँ पर बन जाती है। सो योर प्लेटफॉर्म हैज टू बी फ्लैट एटलीस्ट 2 feet आफ्टर द मशीन। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि ये ऐसे लाइन क्यों आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू मस्ट हैव सीन एट द एंड और एट द इनिशियल स्टार्टिंग यू विल गेट सच लाइंस, दैट इज बिकॉज ऑफ योर सरफेस इज नॉट फ्लैट। इवन राइट नाउ माई सरफेस इज नॉट फ्लैट, आई हैव जस्ट पुट सम कार्डबोर्ड्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट आपको अभी समझ में आ गया होगा कि लाइन्स क्यों आ रहे हैं। So if you fit around, how many logos you can fit around, we can fit 20-30 logos
इन दिस एरिया और ये प्रिंट अभी तक अपना हो चुका है. सो 30 इन 3 मिनट्स विद इन 3 मिनट्स इट हैज प्रिंटेड अराउंड 30-40 लोगोस. सो इट्स क्वाइट अमेजिंग स्पीड फॉर द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर डूइंग आई थिंक. और लेट मी टेल यू वन थिंग, 805 बेस्ड और 1800 बेस्ड कोई भी मॉडल हो, इफ somebody's pitching द स्पीड इज हाई विदाउट एनी सॉफ्टवेयर दैट इज impossible. प्रिंटर की स्पीड नहीं बढ़ रही, आपकी रिपिंग की स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकती है, प्रिंटर की स्पीड नहीं बढ़ सकती. तो दिस इज क्लोज टू इम्पॉसिबल. इफ समवन इज डूइंग इट प्लीज कमेंट बिलो द वीडियो, आई वुड लव टू लर्न. जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है, रियल है और यही फैक्ट है. सो यू कैन टेस्ट इट एट माई प्लेस एनी टाइम. Just hold it like this. Hold it like this. उठाना मत. So if you have only one color, two color, three color logos fit in this area, ये स्पीड आपका और ज़्यादा आएगा. I have intentionally added n number of images in this क्योंकि मुझे खुद को इसको टेस्ट करना था. So this is it. हमारी प्रिंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है. I believe it took around 4 minutes to complete a CMYK job. This monkey is the last. Sorry, 6 image. To 8 minutes, I guess. So while the print is going on, you can just cut it and cure it. Cut it and cure it. So what are the restrictions with 805? So restriction ek hi hai ki you can't print above 8 inch. So 8 inch by 100 meters is what you can expect from 805. But if it's about speed, 805 ka speed bahut acha hai. So ye dekhiye, normal forward reverse module mein kya hota hai ki aapka print hone ke baad pura roll wo bahar nikal deta hai. So in this your roll will not come out unless and until you ask it to come out. So मैं वापस इसी मशीन पे और एक प्रिंट ऐड कर रहा हूँ. What we can do is we can try printing the same or no, हम लोग कट करेंगे. ओके ओके, विल कट इट नाउ. इट्स गोना बी अ वेरी लेंदी वीडियो, सो आई हैव फ्यू रिस्ट्रिक्शंस. आई विल कट इट नाउ. अभी कट करने के लिए मुझे रोल बाहर निकालना होगा, राइट? सो हियर यू कैन फाइंड एन ऑप्शन इजेक्ट टू कट. आई कैन इजेक्ट इट फॉर 20 सेंटीमीटर्स एंड इजेक्ट टू कट. जैसे मैंने इजेक्ट टू कट हिट किया, रोल हैज कम आउट 20 सेंटीमीटर्स आउट. सो यू जस्ट कट इट. अभी जो लोग 1800 या 805 पर रोल टू रोल यूज कर रहे हैं, उनका रोल एक बार प्रिंट होने के बाद पूरा बाहर आ जाता है. So this is a print. Just see how clear it is and the color contrast, everything, isn't it? Now hamara roll bahut sara bahar aa chuka hai. Okay, we'll put it on feed mode, we'll take it inside again, we'll again start printing from this एंड. और अगर आपको प्रिंटिंग एंड इधर से नहीं करना है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, आपको रोल नहीं कट करना है, तो यू कीप प्रिंटिंग एंड कीप कटिंग थिंग्स. दैट्स इट. थैंक यू.